नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे SBI बैंक का आधार कार्ड से पैसा कैसे निकालना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आधार कार्ड से पैसा आपका क्यों नहीं निकल रहा है और मेरा कैसे पैसा निकलेगा आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा तो आधार कार्ड से पैसा नहीं निकल रहा है, पैसा चेक भी नहीं जा रहा, तो पैसा चेक क्यों नहीं होता है, पैसा क्यों नहीं निकल रहा है, यह वीडियो को लास्ट में या बीच में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि SBI बैंक का पैसा आधार कार्ड से कैसे निकालना है, वो आपको बताते हैं लाइव। तो वीडियो को में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों प्ले स्टोर से आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम है स्काई पे और इसका कैसे आपको आईडी मिलेगा हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो इसका जो है एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको IPS वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है दो नंबर पे, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद विड्रॉ है, अमाउंट विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे है, मिनी स्टेटमेंट है। तो इस एप्लीकेशन से आप स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं कस्टमर का, 5 स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पैसा विड्रॉ करेंगे SBI बैंक का। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और जिस खाते से हमें पैसा निकालना है उसका आधार नंबर टाइप करेंगे इस तरीके से, और फिर अमाउंट हम डालेंगे कितना पैसा निकालना चाहते हैं, फिर बैंक का नाम यहाँ पे लिखेंगे स्टेट बैंक इंडिया, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस, उसके बाद हम कस्टमर का फिंगर लेंगे जिसका हम पैसा निकाल लें। ठीक है, और जिसका नहीं निकलता है उसका क्या समस्या है वो भी हम आपको बताएँगे। और जिसका निकल रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा पैसा निकल गया है एकदम, और SMS भी आ गए हैं बैंक की तरफ से। तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि पैसा जो है नहीं निकलता है उसके लिए समस्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पैसा आपके सामने मैंने लाइव निकाला है, तो ये पैसा कैसे निकला है आप सभी को हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये पैसा जो निकला है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने पैसा निकाला है, आप देख लिए। तो जिसका बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, बैंक के साथ जिसका मोबाइल नंबर लिंक है उसका पैसा निकल रहा है। जो पहले से लिंक है, जो यहाँ पर IPS बंद होने के बाद, IPS बंद होने के बाद मोबाइल नंबर जो लिंक कराया है उसका अभी भी पैसा नहीं निकल रहा है। तो अभी जो है SBI के पास बहुत सारा कंप्लेंट गया है। CSP वाला जो होता है वो कस्टमर का 500 रुपया निकालता था, ठीक है, कस्टमर का 500 रुपया निकालने जाता था और कस्टमर का वो 600 रुपया निकाल लेता था, जिसके वजह से कंप्लेंट जाता था बहुत। ठीक है, तो ये फ्रॉड के कारण ये सब बंद हुआ है, तो ये चालू हो जाएगा। लेकिन अब जो है जिसका बैंक में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी का पैसा आधार कार्ड से निकलेगा, ठीक है। लेकिन जिसका नंबर अभी नया में लिंक हुआ है उसका अभी पैसा नहीं निकलेगा, उसको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि SBI के पास बहुत सारा कंप्लेंट गया है। जी हाँ दोस्तों, SBI के पास बहुत सारा कंप्लेंट गया है, जिसके वजह से जो है अभी आधार का सिस्टम बंद किया हुआ है। और जिसका मोबाइल नंबर पहले से लिंक है उसका पैसा निकल रहा है, मैंने लाइव आपको दिखा दिया है। और IPS बंद हुआ है अभी बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो ये CSP वाला दुकानदार फ्रॉड के कारण बंद किया गया है। कस्टमर निकालने के लिए जाता था 500 रुपया और उसने निकाला 700, 500, 400, ठीक है, पैसा ज़्यादा निकाल लेता था, कस्टमर को पता नहीं चलता था। अभी मैंने पैसा निकाला है, आप देख लीजिए 500 रुपया निकाला और SMS आ गया, ठीक है। अब मुझे पता चलेगा कि हमने कितना निकाला, 500 निकाला, ठीक है। डेट भी यहाँ पर है, टाइम भी है और ट्रांजेक्शन नंबर भी है, ठीक है। अगर कस्टमर मूर्ख है तो किसी से मैसेज पढ़वा सकता है यहाँ पे कि हाँ ये पैसा मैंने इतना निकाला है और सक्सेसफुल है, ठीक है। तो इसी के वजह से IPS को जो है SBI अभी बंद किया हुआ है। लेकिन जिसका मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले से लिंक हुआ है, 1 महीना पहले का है, 2 महीना पहले, 10 साल पहले का है, उसका पैसा निकल रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो नया अभी लिंक किया उसका अपडेट होगा, कंप्लेन जब तक SBI का सॉल्व नहीं होगा तब तक अभी नया पैसा किसी का नहीं निकलेगा। और ये समस्या अभी जो है 80% लोगों का है, ठीक है, 80% गांव में जितने भी लोग हैं सभी को ये समस्या है कि आधार कार्ड से पैसा नहीं निकल रहा है। तो मैंने आपको लाइव बताया है,